क्वेश्चन नंबर 751, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय सरकार। इसका आंसर है ऑप्शन सी संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 752, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1967। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1969। क्वेश्चन नंबर 753, जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है, भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 754, संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? ऑप्शन ए राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विधानसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 755, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, ऑप्शन बी कुछ सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी, ऑप्शन सी चालू खाता बजटीय घाटा केंद्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 756, निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी पंचायती राज तथा नगर पालिका संस्थाएं, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन डी उन राज्यों की विधान परिषद जिनमें वे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी उन राज्यों की विधान परिषद जिनमें वे हैं। क्वेश्चन नंबर 757, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? ऑप्शन ए घर आयोग, ऑप्शन बी दास आयोग, ऑप्शन सी शाह आयोग, ऑप्शन डी महाजन आयोग। इसका आंसर है ऑप्शन ए घर आयोग। क्वेश्चन नंबर 758, संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की भाषा है? ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नेपाली। इसका आंसर है ऑप्शन ए कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 759, निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 760, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 761, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 762, अवशिष्ट अधिकार जिसका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडलों में, ऑप्शन डी लोकसभा में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 763, निम्नलिखित में से वह अधिकारी कौन है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाला सिद्धांत की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी अंतरराज्य परिषद। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 764, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब ऑप्शन ए राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, ऑप्शन सी चुनाव की घोषणा कर दी जाए, ऑप्शन डी राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 765, वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसी के बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्ति का वितरण, ऑप्शन बी राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनियामक सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए ना ही बी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 766, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 767, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी प्राप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया? ऑप्शन ए सूची फर्स्ट अनुसूची सेवन, ऑप्शन बी सूची थर्ड अनुसूची सेवन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन डी आपातकालीन शक्तियाँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 768, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है?
ऑप्शन ए संपदा शुल्क, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर, ऑप्शन डी निगम कर। इसका आंसर है ऑप्शन सी रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर। क्वेश्चन नंबर 769, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन डी रंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 770, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 पर पुष्ट करता है? ऑप्शन ए भारत में भूमि सुधार कानून को, ऑप्शन बी राजनयिक विशेषाधिकार और उन मुक्तियों को, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को, ऑप्शन डी राज्यपाल के कर्तव्यों और अधिकारों को। इसका आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 771, अवशिष्ट अधिकार क्या है? ऑप्शन ए जो अधिकार राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन बी जो अधिकार संघ सूची में शामिल है, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में सम्मिलित अधिकार, ऑप्शन डी वे अधिकार जो किसी की सूची में शामिल नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी वे अधिकार जो किसी की सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी केरल। इसका आंसर है ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 773, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी विधायी समस्याएं, ऑप्शन सी संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याएं, ऑप्शन डी जनजातीय क्षेत्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध है। क्वेश्चन नंबर 774, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है? ऑप्शन ए 2 महीने के भीतर, ऑप्शन बी 4 महीने के भीतर, ऑप्शन सी 6 महीने के भीतर, ऑप्शन डी 12 महीने के भीतर। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 775, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार नहीं रहा? ऑप्शन ए MM अंसारी, ऑप्शन बी राधा कुमार, ऑप्शन सी सुजात बुखारी, ऑप्शन डी दिलीप पड़गोनकर। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुजात बुखारी।